Beep.
श्री शिखर कैलाश टेकड़ी तेलंगाना और महाराष्ट्र के इस सीमा पर है। पिछले 20 सालों से यहां पर भगवान शिव की आराधना भक्ति पूजा यहां के विश्वस्त संत परम पूज्य लिंबाजी महाराज द्वारा होता रहता है। इस साल पिछले साल यहां पर बद्रेश्वर जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से जाके वहाँ से जो शिवलिंग लाए और शिवलिंग का स्थापना हुआ, इस साल में भी यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ है। ये साल में पिछले 5 दिनों से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भगवान शिव की आराधना भक्ति चल रही है और आज आखिरी दिन था। आज भगवान शिव जी के इस पावन धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। परम पूज्य लिंबाजी महाराज इसके विश्वसनीय जो मुख्य संत है, यहाँ की पुजारी, यहाँ की पूजा अर्चना दैनंदिन रूप से वो करते हैं। आज पिछले 5 दिनों से लाखों लोग यहाँ पर भगवान शिव की आशीर्वाद लेके अपना जीवन कृतार्थ करे है। धन्यवाद। दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी 5 डिसेंबर ते 9 डिसेंबर वार्षिक सोहळा असते। आपले इथे महादेवचे जागरस्थान आहे, जे की दरवर्षी इथे तीर्थक्षेत्र म्हणून लाखो भाविक येतात। इथले मेन पुजारी परमपूज्य लिंबाजी महाराज ते विश्वसनीय आहेत, पुजारी आहेत। त्यांच्या आशीर्वादाने इथे लाखो लोक येतात दर्शनासाठी आणि दरवर्षी इथं मोठा वार्षिक उत्सव भरते आणि यावर्षी पण इथं चांगली वार्षिक उत्सव भरलेला आहे आणि यावर्षी पण 12 ज्योतिर्लिंगाची स्थापना झालेली आहे। इथे गोवात येऊन मोठे जगद्गुरु आलते आणि त्यांच्या देखरेखाली परमपूज्य महाराज यांच्या हस्ते 12 ज्योतिर्लिंगाचं स्थापना झालेलं आहे। इथे दरवर्षी लाखो भाविक अर्चना भाविक भक्तांने येतात दर्शनासाठी। एक इथे नर्मदेश्वर म्हणून महादेवचे मंदिर प्रसिद्ध आहे, जे एक जागृत देवस्थान आहे। ओम नमः शिवाय महादेव शंभो। श्री कैलाश टेकड़ी, ये 12 ज्योतिर्लिंग का एक एक लिंग है जो कि यहाँ पर सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे ओंकारेश्वर खंडवा जो मध्य प्रदेश में है, केदारनाथ का जो यहाँ पर शिवलिंग है ये है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, ये भीमा शंकर जो है पुणे महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ का ये जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ये त्रिमकेश्वर नासिक जो महाराष्ट्र का है वहां पे है, बैद्यनाथ जो के झारखंड में आता है, इसके बाद नागेश्वर द्वारका गुजरात में है, इसके बाद रामेश्वरम तमिलनाडु में है, उसके बाद ग्रणेश्वरम औरंगाबाद में है। ऐसे पूरे ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ के श्री शिखर कैलाश टेकड़ी के जो पूज्य संत है संत लिंबाजी महाराज,
सभी भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और भगवान कैलाश का यानी शिव का दर्शन एक ही जगह हो, इसलिए यहाँ पर यह सुविधा की गई है। हम बहुत बड़े आभारी हैं भगवान संत लिंबाजी महाराज के। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। पत्थर कहीं लौटा है? पत्थर कहीं लौटा है? पत्थर का मंदिर नहीं बने तो क्या बनेंगे, बोलो आप लोग। सोच कर देखे तो सब यहाँ इसका शिवलिंग ये है ना, ये ऐसा है मंदिर भी दाखिल ले लिया इसमें पूरी रिकेल में। पत्थर का ही यंत्र है हमारे पास, पत्थर का ही शंख है, सीधे हाथ का पत्थर ही है शंख होता है क्या। ये हम नहीं बनाए, इसके ऊपर से ये जो लिखी रहा है ना उसके ऊपर से मंदिर बनाए।
हाँ महाराज, ये इसका आर्केट है। क्या उसका मैप से और इससे पहले बापू ये जगह पे कोई उसी बोली इससे पहले कोई तभी था कि ये सामान मिलने आप उसको समझता है नहीं समझता मगर हमको तो इसको बराबर बट गुना अब ये लोट है ये लोट है ये पानी है ऐसा हम इससे कुछ दिन पूजा की है कि नहीं, पत्थर में पानी दिया है कि नहीं, सच है कि झूठ है? सच है महाराज। हाँ, लोटा है कि नहीं? वो कहाँ पर मिले? अरे तुमको क्या करने का तो अभी ये जगह पे ये जगह पे इससे पहले कोई तो भी था ये जगह पे इससे पहले कोई तो भी था ये रूसी मेरे क्या मालूम उन्होंने बोले जब भैया इससे पहले कोई तो भी होगा कौरव पांडव और कुछ तो भी राज करते वो मेरे को नहीं मालूम उसको मैं देखा नहीं मैं देखा शिव जी को बुलाया उन्होंने। अरे बेटा तुम हम बोल रहे सब बात कर रहे कर यहाँ करिया बिटा है हम मेरे को कोई खा जाएगा बोले तो रक्षण करता है मेरी क्या मैं अकेला सोया हूँ यहाँ अकेला रहा हूँ मेरा रक्षण भगवान ने किया है मैं किसी का आस नहीं किया हूँ देख लो तुम इधर अभी भक्त है प्याज लिया घूट भी पिया तो जलम भर बच जाता है इसमें आदमी महाराज जी पहले आपको यहाँ पे भगवान के रूप में मैं कौन सा रूप में रही तुम बोल के तुम्हारे आपको बताए थे यहाँ ये जगह पे मैं ये रूप में यहाँ पे रही तुम ये जगह पे मेरे को ढूंढो बोल के कौन सा रूप में रहते बोल के बताए गरुड़ पक्षी पे बताया मोर में सोया था मेरी जान की बो आसारी थी मैं मोहर में गया था मोहर में गया तो परेशान हो गया था जब भगवान जी ने बताया यहाँ के खड़ेगा इधर से हलगट आया मार तुम बोल के आता तो मैंने डर रहा था जब भगवान जी मेरा हाथ उठा के ऐसा किया देख बोले लाखों लोग आ रहे लाली झंडी आ रही है तेरे पास आदमी कम नहीं होंगे मैंने ये दूंगा हजार कोस का आदमी तेरे को दूंगा मगर तू डरने का नहीं मेरे को कोई मार के फेंक दिया तो महाराज जी आपको पहले से भगवान तुम्हारे साथ में आपके साथ में रह के ऐसे होते ऐसे होंगे बोल के आपको सपने में पूरा बताएं बताएं हमारा मालक हमको बताए हम किसी के खेत में नहीं गए हमारे खेत में हम रही मालक के पास नौकरी है वो पार पे नहीं गया हूँ वो पार पे नहीं गया हूँ यही हूँ क्या है कि नहीं वो भी बुलाया मैं नहीं गया वहाँ नहीं गया मैं तो महाराज जी वहाँ पे वो पहाड़ ये पहाड़ बोल रहे ना महाराज जी वो पहाड़ में ये पहाड़ में कौन क्या है वो पहाड़ में कौन कोई ना कोई होंगे ना सेजारी नहीं रहता क्या शिवशंकर भगवान की लिम्बा जी मारो शिवशंकर भगवान की भगवान जी मारो लिम्बाजी मारो शिवशंकर भगवान की जय लिम्बाजी मारो भगवान की जय सर हमने पूछे थे महाराज कद को आज के ट्रैक्टर भेजा है छह ट्रैक्टर अब छह भक्त लोग कहीं आ जाए तो आ जाए दया मेरे पर बाकी तो तीन ट्रैक्टर आ रही थी मारती हाँ इसे कहीं कहीं सामान पूछा है तो से पूछा ना को ये करिया करना को चावड़ेर बाधे तो हमने गाड़ी वाला।